या शायद भाई मैंने आपसे एक बात करनी थी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से मूव कर जाऊँ, मतलब ये घर छोड़ना चाह रहा हूँ मैं। मुझे कंफर्टेबल नहीं वहाँ पे, अजीब मुझे लाइक अकेला होता हूँ, पर अजीब थॉट्स आती हैं और अजीब मतलब चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ से मतलब चला जाऊँ, मूव कर जाऊँ। जब से लाहौर आया हूँ यहाँ पे अजीब हो रहा हूँ, मैं पहले वाला हाशिया नहीं रहा। मूव करना चाहते हो? ठीक है यार, मेरा ख्याल है कि इट्स अ गुड डिसीजन। आई थिंक समटाइम्स डिस्टेंस इज गुड। मामू की तरफ चले जाओ, अगर वहां जाके देखो कि अगर तुम्हें डिसिप्लिन आ सकता है। यार पैकिंग तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब कहाँ जाऊँ मैं? किसको पूछूँ, किसको बोलूँ? दोस्तों को पूछ लूँ? यार कुछ समझ नहीं आ रही मुझे इस टाइम। यार मेरा ख्याल है पहले मैं सदीक से बात कर लेता हूँ, वो शायद कोई मुझे हल बता दे। सदीद यार सीन ये है कि मैंने ना एक बैड सीन हो गया आज। मैंने शायद भाई को कहा है कि मैं घर छोड़ना चाहता हूँ, तो वहाँ पे मेरा एकदम ख्याल आया तेरा। मैं सोच रहा था कि मैं तेरे साथ अगर तो क्योंकि तू रूम में अकेला होता कि तेरे साथ शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि दोस्ती तो हमारी इतनी अच्छी है कि तू। अच्छा तू सीरियस है? अरे वाकई में शाबी से बात की? हाँ मैं सीरियस हूँ, वाकई में शिफ्ट होना चाहते? मैं सीरियसली कह यार रहा मेरा हूँ। मसला ये कि भाई अम्मी सब साथ रहते हैं, फैमिली है, तो वो मुश्किल सीन, वरना तो मैं रख लेता। मसला लाइक अगर तुम डिप्रेस माँ हो रहे हो ना, तो मैं एक अच्छी जगह में इंशाल्लाह पहुंच जाओगे, बेशक वो खाकान हो, मामू हो, कजन हो, कहीं भी तुम पहुंच ही जाओगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर दिस समोसास ब्रो। वैसे क्रू में सबसे अच्छा मैं तेरे साथ आती हूँ, तू मेरे साथ है, मतलब हम दोनों की बहुत बनती है, सारों को पता है। तो यार सीन ये है कि आज वैसे एक बैड सीन हुआ घर में। मैं शाहर भाई को बोला कि मैं घर छोड़ना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे सुकून में नहीं हूँ। तूने खुद बोला? हाँ मैं क्योंकि यार पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा बस अब मैं मतलब कहीं और मूव होता हूँ, वहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा था कि डिप्रेस हूँ मैं, ये उस तरह की चीज़ें। फिर अब मैं वहां से तो छोड़ा हूँ, फर्स्ट टाइम मुझे तेरा ख्याल आया। तेरा पूरा घर खाली है मतलब, तो मैं एक रूम अगर तू मुझे दे दे तो मैं यहाँ पे रह लूंगा, मूव हो यहाँ रहेगा? जाऊँ। हाँ मैं यहाँ पे मूव हो जाऊँ। समोसा नीचे रख भाई, समोसा नीचे रख, उठ और रख 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 समोसा नीचे, निकल। हम मिले हुए हमें काफी टाइम हो गया सर। हाँ लेकिन तुझे पता कि मैं तेरा अच्छा दोस्त हूँ। मैंने एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। सीन ये है कि मैं शाबी भाई का घर छोड़ दिया मैंने, क्योंकि यार पता नहीं मैं वहाँ पे मुझे फील नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ काफी अरसे से। मतलब काफी टाइम से ना मैं वहाँ पे रह रहा था, मुझे ये लगने लग गया था कि इनको मेरे से कहीं प्रॉब्लम ना हो, मतलब इस तरह ओवर थिंकिंग करने लग गया था बेसिकली। मैंने खकान से बात किया, खकान का तो उस तरह रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं तेरे से पूछना चाहता था कि मैं तेरी तरफ रह सकता हूँ। मुझे लगा ब्लॉग के लिए कर रहा है। नहीं है सीरियसली यार, पागल हो गए ब्रो क्यों? लेकिन नहीं ब्रो मतलब लाइक यार मैं वैसे मूव होना चाहता, मैं क्योंकि मैं मतलब मूव हो जाऊं बस। मैं खुद कराची जा रहा हूं ब्रो ड्रामे के लिए। हां यार मैंने ऐसा खाना जिंदगी में नहीं खाया, मतलब मेरी मैं अपनी अम्मी का हाथ का खाना खा रहा हूँ, मेरी अम्मी भी ऐसा बनाती है, लेकिन ये मेरा ख्याल है थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। सॉरी माँ, मैं सोच रहा हूँ ऐसे खाने ना मैं रोज खाऊँ उसे। मैं रोज खा, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे शिफ्ट हो सकता हूँ, मैं शहर पे कुछ छोड़ रहा हूँ, आपको तो पता ही है, बस मैं आपका रूम तो खाली भी है। सही बात है, खाना खाओ निकलो। बस मैं सीरियस है, मेरे पे रहने की जगह नहीं है कहीं पे। मैं सीरियसली यार, सीरियसली क्या मतलब यार, ले तो रह जगह, ले रहा हूँ लेकिन मुझे मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। आ जाएगा रहने वाला कुछ? ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही अब यार, गाड़ी को भी खराब होना था। ओ हाँ इन ड्राइवर ऐप, जब गाड़ी ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया तो इन ड्राइवर याद आया। मैंने सोचा इनकी रिलायबल सर्विसेज और बेहतरीन रेट्स की सहूलियत का फायदा क्यों ना उठा जाए। इन ड्राइवर की ऐप पे मैंने अपनी मर्जी का रेट निगोशिएट किया,
और 5 मिनट के अंदर अंदर मेरी मर्जी की गाड़ी भी मेरे पास पहुंच गई। ना सिर्फ ये बल्कि इनके ड्राइवर भी बहुत तमीज़दार और प्रोफेशनल हैं और सबसे ज़रूरी बात ये कोविड SOPs का भी पूरा ख्याल करते हैं, जिससे मुझे मज़ीद तसल्ली हुई। जब सर्विसेज इतनी रिलायबल हों और आपकी जेब पे भी भारी ना पड़े तो और क्या चाहिए। और ये है मेरा नया कमरा। क्या हुआ? हेलो वाईफाई, ये मेरे घर में कोई बंदा घुस गया और कह रहा है कि ये इसका घर है और ये कब्जा कर ऊपर। मुझे मामू ने कहा है कि ये मेरा रूम है। क्या मतलब? तो मैं किधर सोऊंगा? मतलब हम दोनों शेयर कर सकते हैं। मेरा नया कमरा ये है, शावी भाई वगैरह वुल्फ ग्रुप को वहाँ से मैं छोड़ा हूँ, वहाँ से मूव हो गई। उसके बाद मैं 2 महीने तक अपना एक अपार्टमेंट ले लूंगा ऊपर वाला पोर्शन, फिर मैं आपको उसका विजिट करूंगा। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब जो कि कोई इसको दे ही नहीं रहा पोर्शन, इसको दे ही नहीं रहा पोर्शन। माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन और कमेंट्स में प्लीज लाजमी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।